बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए बच्चों, आज हम सॉल्व करते हैं विषय हिंदी की कक्षा तीसरी की वर्कशीट। उपविषय है व्याकरण अभ्यास सप्ताह 28। देखिए बच्चों, स्वर सहित र को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। देखिए बच्चों, जो हम इस आधे र को ऊपर लगाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आधा र रेफ बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे ध प्लस र प्लस म, ध र म, तो मैं से पहले आया तो ये हमने आधा र मैं के ऊपर लगाया। इस तरह से करम देखिए, क र मैं से पहले आधा र मैं के ऊपर हमने आधा र लगाया। यदि आने वाले वर्ण में मात्रा है तो मात्रा के ऊपर लगाया जाता है। चलिए देखिए बच्चों, दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर रेफ लगाइए। गर्व, मार्ग, शीर, शीर, शी के बाद आया रे, धर्म, कार्य, आशीर, आशीर वाद, सर्प, कर्म, वर्षा, सर दिया। देखिए बच्चों, की और की, बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा का प्रयोग। देखिए बच्चों, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद होता है, ठीक है। बड़ी ई का प्रयोग दो शब्दों के संबंध को बताने के लिए होता है। देखिए बच्चों, ये जो हमारा है बड़ी ई, तो ये हो गया की, ठीक है। इसका प्रयोग क्या होता है बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद होता है और ये दो शब्दों के संबंध को बताने के लिए होता है। जैसे राम की किताब, लकड़ी की मेज। देखिए बच्चों, संबंध बता रहे हैं कि जो किताब है वो किसकी है, राम की, और लकड़ी मेज जो बनी है वो किसकी, लकड़ी की। इसका प्रयोग किसी की विशेषता बताने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे चीनी की मिठाई, कपड़े की चमक। देखिए बच्चों, जहाँ बड़ी ई वाली की आती है, ठीक है, उसका हमने यहाँ प्रयोग पढ़ा कि उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब देखिए बच्चों, छोटी की वाली का प्रयोग दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कविता ने स्पष्ट कह दिया कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। देखिए बच्चों, आपस में जोड़ने के लिए छोटी ई वाला कह का इस्तेमाल किया जाता है। आशा है कि आप ठीक होंगे, ठीक है। अब देखिए, दिए गए वाक्यों को की और की का प्रयोग करके वाक्य पूरा कीजिए। आपका रंग हरा है की, ठीक है, की पूछा गया है कि कौन सा है। देखिए बच्चों, यहाँ बड़ी ई मैदान की और बड़ी, यह फल खाते ही बताना की छोटी की तुम्हें कैसा लगा, वह स्कूल की बड़ी की बस है, भैया से कह दो छोटी की आज मैं रोटी खाऊंगी, यह मम्मी की साड़ी है बड़ी की, क्या तुमने अपनी माँ को बताया कि तुम आज शाम को खेलने आओगे छोटी की, यह संजय की पुस्तक है बड़ी की, मैंने जूस वाले भैया से कहा कि मुझे अनार का जूस ही पीना है छोटी की, यह मेरे दादाजी की ऐनक है बड़ी की। देखिए बच्चों, यहाँ हमें संबंध बताया जा रहा है कि ये किसकी ऐनक है, ठीक है, ये संजय की पुस्तक है, इसमें हमें संबंध बताया जा रहा है, ये मम्मी की साड़ी है, इसमें हमें संबंध बताया जा रहा है, ठीक है बच्चों। समझ में आपको कि बड़ी की और छोटी की का हमें कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला देखिए, की और की को समझकर सही प्रयोग कीजिए। चलिए देखते हैं, देखिए, यह किताब उसकी है, उसने कहा कि वह आज स्कूल नहीं आएगा। सिनेमा की बात मत करो, मुझे नहीं पता कि वह वास्तव में क्या कर रहा था। सुबह सवेरे चिड़ियों की बोली अच्छी लगती, उसने कहा था कि वो भी जल्दी उठकर सुनना चाहती है। फूलों की खुशबू आ रही है, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा इतना सुंदर होगा। किताब में लिखा है कि दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, पर प्रियंका की सहेली को दूध पीना अच्छा ही नहीं लगता। मैंने कई बार पूछा कि वह किताब किसकी है, मुझे पता नहीं था कि वो क्रिकेट खेलने की जगह पर नई बिल्डिंग बना देंगे। गीत वीणा की सहेली नहीं है, पर मुझे तो कविता ने बताया था कि वो दोनों बचपन से दोस्त है। मुझे मालूम नहीं था कि इस फूल की खुशबू इतनी अच्छी है,
मैंने उसे बताया था कि मुझे कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, इसलिए उसने मुझे कहानियों की किताब उपहार में दी होगी। देखिए बच्चों, अब सभी को यहाँ मैंने बताया, देखिए बच्चों यहाँ बड़ी की और छोटी की का आपने सभी ने प्रयोग देखा कि किसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, किसके संबंध में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आया होगा मैंने वीडियो में जैसे आपको समझाया है। बच्चों देखिए, आप फिर से मेरी वीडियो को देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।